आम आदमी पार्टी या बीजेपी कौन सा आपको लग रहा है किसका? बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? पता नहीं। बीजेपी आपको लगता है? हाँ जी, बीजेपी तो लगता है। अच्छा, फ्री में कभी बस में सफर किया आपने? नहीं, कभी नहीं किया। नहीं नहीं, मेट्रो से आते जाते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है दिल्ली का? सुधार की जरूरत है या अभी बहुत सही लगता है आपको दिल्ली? ट्रांसपोर्ट कैसा है? बहुत अच्छा, फैसिलिटी तो अच्छा है। बसें सही हैं? हाँ हाँ, नहीं बसेस वगैरह सही है, लेकिन क्या है कि हम लोग बस से आते जाते नहीं है। मेट्रो में भीड़ बहुत है लेकिन। हाँ, मेट्रो में तो है, बस में भी है, बस में भी है, मेट्रो में भी है, तो मार्केट में बहुत ज्यादा है। वो तो हर जगह दिल्ली है, तो दिल्ली में भीड़ तो रहेगा ही ना। तो लोग हैं, सोच है, उसी हिसाब से अपनी बात को रखते नजर आते हैं। कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं कि आखिर दिल्ली के चुनावों के हिसाब से क्या कुछ दिमाग में चल रहा है और क्या हिसाब से लोग अपनी बात रखते हैं, वो नजर आ रहे हैं। यहीं रहते हैं, सोई नगर मार्केट में। आम आदमी पार्टी का दावा है बहुत दिल्ली को बेहतर किया गया है, आप कितने दावे को सही मानते हैं? आम आदमी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, उसमें भी बिजली पानी आ रहा है, बढ़िया दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक चल रहा है। हाँ, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है। बीजेपी भी अपनी जगह पर भाई, वो भी ठीक है। हाँ। किसी गलत नहीं कहा, दोनों ठीक है पार्टी, दोनों ठीक पार्टियां हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिताएंगे कि सो दोनों तो सही हैं, राजनीतिक दल तो दोनों ठीक हैं। उनको भी हमने कांग्रेस को, उसको बीजेपी को भी दिया वोट। हाँ। और उसको दिया, केजरीवाल को भी दिया, दोनों को दिया हमने अलग अलग। हाँ। दोनों को दिया, लेकिन अलग ही अलग दिया। अब इस बार क्या दिमाग में चल रहा है? अब इस बार देखो क्या मोड बनता है, लेकिन अभी तो ठीक चल रहा है। अभी तो ठीक चल रहा है। हाँ, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन होना चाहिए आपको लगता है? जैसे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से चेहरा है, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आप कौन देखते हैं? भाई अगर ये आदमी या ये व्यक्ति मुख्यमंत्री के चेहरे पर आगे बढ़ता है तो हालात बदल? हालात देखो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी चेहरा क्या देखना है कि सही है। अभी बीजेपी जो है अपनी जगह पर है, मोदी वो भी ठीक ही है, कोई गलत नहीं है। दिल्ली के अंदर है। हाँ, और वहाँ यूपी में भी, यूपी में भी वो भी ठीक है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जो है आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो ठीक है, अभी बीजेपी ठीक है, मोदी ठीक है। मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री की बात, मुख्यमंत्री देखो अब कौन बनता है, अभी तो चल ही रहे हैं वो यूपी के मुख्यमंत्री। अभी तो देखो ये भी केजरीवाल भी खड़े थे, कहाँ है सीट मिली, कहाँ है सीटें नहीं मिली। तो राय सोच अपने हिसाब से बातें हैं और लोगों से पूछ लेंगे, तो हर किसी से बात करते हुए समझना जरूरी है कि आखिर उसके दिमाग में इस बार दिल्ली की सियासत को लेकर क्या कुछ चल रहा है। अच्छा, जरा पंडित जी ये बता दो कि इस बार चुनावों में किसका क्या हिसाब लग रहा है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? भाई साहब, इस बार तो बीजेपी जीतेगी, क्योंकि केजरीवाल जी ने दिल्ली को नरक बना दिया। जो पीने का पानी है इतना गंदा आ रहा है कि उससे लोग बीमार है कॉलोनी के। वो जो सीवर का लाइनें टूट करके उसी पानी वाले पाइप में जुड़ा है, उसको कोई देख रेख नहीं करने वाला है। गड्ढे, रोड, धूल मिट्टी, कहीं इतनी व्यवस्था खराब है कि छोटे छोटे बच्चे नालियों में गिर जाते हैं, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। आप मुझे जरा समझाइए कि दिल्ली की सियासत में कौन सी पार्टी इस समय आपको ज़्यादा बढ़ते हुए ग्राफ के साथ नजर आ रही है? अब देखिए, जो बीजेपी को तो हम कब से देख ही रहे हैं, अब थोड़ा राहुल गांधी जी पे भी हम मौका तो सबको ही देना चाहिए, तो हम तो चाहते हैं राहुल गांधी जी को भी मौका मिले, उनका भी देखें वो कैसे देश का सुधार करते हैं। यूथ आइकन भी यहाँ हल्के जो है, कब से दिल्ली के अंदर कांग्रेस को आना चाहिए आपको? हाँ हाँ, मुझे लगता है कांग्रेस को अब दिल्ली के अंदर आना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पहले भी उनके वक्त जो इकोनॉमी थी बड़ी सही थी मनमोहन सिंह के टाइम। हम जैसे मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें तो हमारे काम धंधे जो है उस टाइम बहुत अच्छे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सा चेहरा आपको नजर आता है सबसे बेस्ट? अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल एज अ सीएम तो कोई ऐसी कोई दिक्कत मुझे उनमें लगी नहीं कभी। हाँ। अरविंद केजरीवाल एज अ सीएम सही रहे हमेशा। थोड़ा मुझे दिक्कत जो आई है थोड़ा बीजेपी, जब से थोड़ी बीजेपी आई है हमारे जो इकोनॉमी जो है पूरी इंडिया की आपको भी लगा होगा थोड़ी डगमगाई है, तो सिर्फ यही रीजन और कुछ नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार से। और यहाँ कहाँ रहते हैं? दिल्ली में डीटीयू कॉलेज में। मुझे समझाइए कि इस समय कौन सा राजनीतिक दल आपको लगता है ग्राफ में आगे बढ़ रहा है दिल्ली के राजनीति में? दिल्ली के चुनाव भी आने वाले हैं कुछ दिनों में, आम आदमी पार्टी बीजेपी आपको लगता है कि टफ फाइट है, क्या लगता है? हमको तो लगता है बीजेपी बेस्ट है। अच्छा। हाँ, क्योंकि सरकार चेंज होना चाहिए। हाँ। तो ही डेवलप हो सकता है, स्टेट का हो, इंडिया का हो, कंट्री का हो या कहीं और का हो।
या किसी भी प्रखंड का हो, तो अगर सरकार चेंज होती है तो डेवलप होना तय है, क्योंकि उसको लगता है कि हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो हमारे पीछे आने वाली सरकार हमको वोट नहीं करेगी कोई। यानी ये कहीं ना कहीं बदलाव से आपको लगता है कि विश्वास बढ़ता है, और शायद यही सोच है, यही हिसाब है, और यही रणनीति होती है जनता की, जिसके हिसाब से वो अपने मत का प्रयोग करती नजर आती है। तो दिल्ली वाले हैं, सियासत को बखूबी जानते भी हैं, समझते भी हैं, और उसी सियासत के हिसाब से अपने दाव खेलते हुए नजर भी आएंगे। दिल्ली के चुनावों से पहले शायद ये तमाम रणनीति दिल्ली के वोटर्स बनाएंगे भी और उस हिसाब से किसी को जिताएंगे। कैमरा पर्सन उमेश सिंह के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।